गुड मॉर्निंग गुची गुची में सोच पर इतनी एनर्जी होती है मुझसे भी दो गुना ज्यादा। और आज हम बहुत ज्यादा जल्दी उठ गए हैं, बहुत ज्यादा। अब हम चले बाहर थोड़ा वॉक करेंगे, उसके बाद जिम जाऊंगी। और देखो सुधीर को गुची की बेल्ट लगा के। क्यों लगाई तूने गुची की बेल्ट? गुची आपकी बेल्ट लगा ली। What? चलो बाय गुची, मैं जिम चली। बाय, इसको भी जाना मेरे साथ जिम। मैं आ गई हूँ जिम में और गुची को छोड़ के। गुची बेचारा अपना वॉक कर रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। अम्मू नमस्ते, सबको आशीर्वाद दो। तबीयत कैसी है? बढ़िया, बढ़िया एकदम। और बाबू की तबीयत कैसी है? बाबू बढ़िया, खा पी रहा है मस्त। मेरा भी मन कर गया स्विमिंग करने का, बट पता है प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर कैप पहननी पड़ेगी अगर यहाँ पर स्विमिंग करनी है तो। इसलिए मेरा इस पूल में स्विमिंग करने का मन नहीं करता। कैप से ना मेरे ना बाल बहुत ज्यादा खींचते हैं, तो वैसे भी इतने टूटते हैं, प्लस और टूटेंगे। हमारे जिम में उस पर गाने नहीं चलाती हूँ, स्पीकर मेरे हाथ में रहता है। ये है मेरे ट्रेनर का फोन, प्लीज पासवर्ड। और क्या तो बिल्कुल नहीं पता पासवर्ड, मैं बताऊंगा। इतना गंदा पासवर्ड लगा कैसे याद होगा? अच्छा बताओ, आप जिम में जब होते हो तो आप कौन से गाने सुनना पसंद करते हो? मुझे तो पंजाबी गाने पसंद है बस। ये कैसी कैसी मूवी देख रही हो मम्मी? कौन से जमाने की मूवी है ये? हमारे जमाने की है। आप तो आज के जमाने की भी हो। वेब सीरीज तो खूब देखती हो। जमाने की ना, 30 साल पुरानी होगी। वेब सीरीज देखो, एक बढ़िया चलाओ। कौन सी आ रही है? बहुत तगड़ी, रुको यार अभी। ऐसा भाई, हमारी बम्मू है बिल्कुल मॉडर्न। बम्मू को चाहिए वेब सीरीज। और वेब सीरीज कैसी वाली पता है? उनके मुंह से सुनवाऊंगा वरना आपको लगेगा कि मैं वैसे ही बोलता हूँ। मैं कैसी वेब सीरीज देखना पसंद है? सच सच बताओ। चलो धाकड़ धाकड़ लड़ाई झगड़े वाली, जिसमें गोली चले और आतंकवादी पकड़ा जाए, ऐसी चीज है ना। अब देख लो, इसीलिए ऐसी है ये। देखो जिम में मैं कितनी बड़ी बॉटल लेकर जाती हूँ और इतना पानी खत्म करती हूँ। पूरी फुल थी, इतना खत्म कर दिया। तो वर्कआउट जब भी करो इतना पानी तो पियो। वर्कआउट के टाइम पर जितना पानी पियोगे उतनी बॉडी अच्छी रहेगी। कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी दो कार। इतनी मेहनत के बाद जब हम कुछ लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है, उसको देखकर कितना अच्छा लगता है। तो ये हमारी फर्स्ट कार है, ये हमारी सेकेंड कार है। मतलब लखन और मेरी ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। वॉट आई ईट आफ्टर माई वर्कआउट, दिस इज नूडल्स। By the way, it's healthy. आटा नूडल्स है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। So friends, मैं अभी तैयार होकर नीतू के पास आ गया हूँ। नीतू का अभी शूट चल रहा है कोई वहाँ पे, और मैं और गुची, देखो मैं और गुची कैसे वेट कर रहे हैं नीतू का। ये पता है जब तक गेट पे बैठ रहेगा, जब तक नीतू अंदर नहीं आ जाएगी। ये बात तो बिल्कुल तय है कि उससे ज़्यादा प्यार करता है। तो भाई लोग, नीतू ने आज बहुत मेहनत की है। ये क्या नीतू? चाप, और बहुत ही टेस्टी बनी है सच में। तो गाइस, मेरे को एक छोटा सा काम अभी निपटाना है। मैं एडिटिंग के लिए ना, अब लैपटॉप पर एडिटिंग ऐसे हो नहीं पा रही, तो मैं एक माउस लेकर आ रहा हूँ उसके लिए। पास में ही एप्पल स्टोर है तो हम वहीं चल रहे हैं। इतने नीतू, तू खाना खा ले, आके फिर अपने वीडियोस वाला काम पूरा करते हैं, ठीक है? जल्दी आऊँगा। फ्रेंड्स देखो क्या मौसम हो रहा है यार, और जस्ट अभी अभी बारिश स्टार्ट हुई है। जल्दी से बैठ के चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मॉल में आ गया हूँ। किस्मत से मेरे घर के पास जो वेनिस मॉल है वहाँ पर एप्पल स्टोर है, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती। सो फाइनली मेरे को ये मिल गया मैजिक माउस, और ये दो कलर में है, वाइट और ये ब्लैक। तो ये व्हाइट वाला मुझे पड़ा 7500 का, और जो ब्लैक कलर है वो है 9500 का। और दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? कलर, मतलब सिर्फ कलर के 2000 ज़्यादा। वैसे ये भी एक्सपेंसिव है, और वो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है जिसमें कोई एडिशनल फीचर नहीं है। एप्पल क्या करें आपका। कितनी तेज़ हो गई बारिश, 10 ही मिनट में, वाओ। सो गाइस, हम लोग घर पर आ गए क्योंकि पापा भी आ गए हैं 2 दिन के बाद। चलो चलते हैं अंदर। गुड लखन, गुड। बस केवल खत्म कर घर आते, सबसे पहले देवर खाना। अच्छा, तो पाई आ गए हैं। पाई नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे रहे आप पाई? आपका सफर बढ़िया बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। कितने दिन के लिए थे आप बाहर? 2 दिन के लिए ना? हाँ बेटा, कल ही तो गया था। हाँ कल और आज। और सब ठीक हो? हाँ पाई, सब आपको बहुत मिस कर रहे थे कमेंट्स में। अच्छा, पर आजकल मुझे काम बहुत ज्यादा रहेंगे ना, हाँ। इसलिए कम ही आ पाऊंगा। कभी मैं कहीं रहूंगा, कभी कहीं रहूंगा। अच्छा, इसलिए मैं सबको बता दे रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब मेरे काम थोड़ा शुरू हो रहे हैं, बरसात भी आ रही है, तो जगह जगह कभी कहीं जाना रहेगा, कभी कहीं रहेगा। यार पापा को सच में काम आजकल बहुत ज्यादा है। देखो वो आए और वो निकल रहे हैं, उनके साथ मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ वो आप लोगों को वहाँ पहुँच के मैं बताऊंगा। तो नीतू मिलते फिर, बाय, ख्याल रखो अपना, ठीक है? बहुत सारी वीडियोस बनी हुई यहाँ पे, बाय बाय बाय। तो गाइज, एक बहुत स्पेशल चीज जो हम करने जा रहे हैं, और मुझे पता है हमारी जो पूरी लखनीत फैमिली है आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आ गई हूँ घर पर वापस पाई से मिलकर और आपको मिलवाकर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पाई नहीं दिख रहे, पाई नहीं दिख रहे, पाई नहीं। फाइनली पाई आप सबके बीच आ गए, और अभी पाई फिर मीटिंग में चले गए। पाई का बहुत सारा काम फैला पड़ा है तो पाई के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। गुजी क्या हुआ आपको? और मैं ना एक ऐसी वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब हार्ट टचिंग वीडियो, तो उसके लिए मैंने अभी आधा शूट कर दिया है और आधा शूट होना बाकी है, तो वो कल ही पूरा हो जाएगा। आज एक्चुअली सोनी दीदी का शूट था, उसमें मुझे कैंसिल करना पड़ा वो शूट, क्योंकि
यहाँ पर मेरे पास इतना काम था तो सुंदरी थोड़ा सा गुस्सा हो गई मुझसे। खैर मैं सुंदरी को मना तो लूंगी, पर सच बताऊँ मेरा भी बहुत ज्यादा मन था वहाँ पर शूट में जाने का, बट हो नहीं पाया यार। आज मैंने ये कर्टेंस ठीक कराए जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, मतलब इनके ना सब चीज़ निकले हुए थे, वो उसको कुछ बोलते हैं वो निकला होता, उनकी रिंग्स निकली हुई थी तो मैंने वो लगवाई है। और हमारी बालकनी तो है ही सुंदर, और मैं सोच रही हूँ एक दो दिन में जाऊँगी, अरे वो आ जाएगा इसमें कॉपीराइट, एक दो दिन में जाऊँगी मैं बंजारा मार्केट और घर का बहुत सारा सामान लेकर आना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज करनी है, क्योंकि वीडियोज़ में ना एक ही तरीके की चीज़ें आ रही, तो मैंने डिसाइड किया है आज ही, मैंने डिसाइड किया है क्योंकि आज मैं वीडियो एक ऐसी बना रही फैशन की जिस जो मेरी बन नहीं पाई ठीक से, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा सामान लेकर आना है घर में अभी। तो बंजारा मार्केट में मैं पहले भी गई थी, और कल तो नहीं, सैटरडे संडे मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ मार्केट जाना, क्योंकि बहुत रश होता है। तो देखते हैं, बहुत जल्दी जाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी क्या क्या लेकर आई। गाइस मेरा ये वाला रूम देखो, पार्सल्स आए थे अभी और मैंने इसमें से कोई भी कपड़े पहन के नहीं देखे, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मगर मैं कल ट्राई करूँगी और जो मुझे ठीक लगेगा वो रखूँगी, बाकी सारा हटाऊँगी। तो अभी हम आ गए हैं असम हाउस में, और हेमंत बिश्व शर्मा सर हमसे मिलने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि पापा को डोनेशन आज करना है जो असम रिलीफ फंड है उसके लिए। तो जैसे कि हमने कुछ दिन पहले बताया था, हम असम में जितने भी हमारे भाई बहन वहाँ पे सफ़र कर रहे थे उनके लिए डोनेट करने वाले हैं, तो आज डोनेट कर रहे हैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपीज़, और उसी के लिए हम CM सर से मिलने यहाँ पर आए हुए हैं असम हाउस में। गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छी मीटिंग रही हमारे CM सर के साथ, और CM सर बहुत ही हम्बल और बहुत ही अच्छे इंसान है, और हमारे असम की जितनी भी फैमिली है यहाँ पर उन सब के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग बहुत जल्दी असम आ रहे हैं। CM सर ने बोला है कि असम एक बार विजिट जरूर करना, आपको असम की जितनी भी हिडन ब्यूटी है एक बार वो देखनी है और अपने व्लॉग्स में डालनी है, तो मैं भी प्रॉमिस करके आया हूँ। तो मैं बहुत जल्दी प्लान बनाऊंगा, मैं नीतू पापा मम्मी हम सब लोग असम में आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, वो सारी फैमिली ही वहाँ पर जाएंगे असम में, और 3-4 दिन वहीं रुक के आएंगे, माता सब लोगों से मिलेंगे भी, दर्शन भी करेंगे, और वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, सब देख के आएंगे, 3-4 दिन वहीं पर रुकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, एक बहुत ही अच्छी न्यूज अभी मुझे मिली है, मुझे पता नहीं था एक्चुअली, पाई ने किसी को पता नहीं था, ये पाई की एक ना ऐसी आदत है जो मैंने बहुत बार नोटिस की है कि पाई कुछ भी अच्छा करते हैं ना तो पाई को दिखाते नहीं है, लाइक टुडे व्हाट ही डिड, वो गए CM से मिले असम के, और उनको उन्होंने CM फंड्स, असम में इतनी बाढ़ आ रही है जिस वजह से वहाँ का काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है लोग, तो मैं ये बताने के लिए लाइव भी चली गई हूँ सबके बीच सबके साथ, देखो अभी किस किस के मैसेजेस आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स मैं अभी पहले घर आ गया हूँ नीतू वाले, क्योंकि मैंने आज अपनी फेवरेट सब्जी बनवाई हुई है चाप, सोया चाप बोलते हैं ना उसको, हाँ सोया चाप, तो मैं वो खाऊंगा उसके बाद जाऊंगा नीतू को लेके घर पर, और आपको भी बहुत सारी ढेर सारी खुशखबरियाँ देनी है, नीतू तो ऑलरेडी बहुत खुश है, मुझे अब पता चला वो लाइव भी आ गई ये बात सुन के। बेटू आपने मिस किया मुझे, किया था मिस? तो दोस्तों ज़रा पहले मैं नीतू को एक स्यापा आज आपको बता देता हूँ। नीतू आज क्या स्यापा करा है नीतू, प्लीज़ बताना यार, तुम ही बता दो नीतू, प्लीज़ बताना यार आज क्या किया, बता दो लोगों को जल्दी। मैंने माइक उल्टा लगा दिया एक्चुअली गाइस, और ये तुझसे दूसरी तीसरी बार हुआ है ना, क्योंकि नीतू जिस कैमरे से व्लॉगिंग करती है ये रहा वो कैमरा, और अभी मैंने आके जस्ट देखा तो इसका माइक उल्टा लगा हुआ था, तो मैं समझ गया, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार हुआ, क्योंकि मैं इसको सिखाता हूँ उस टाइम सीखती नहीं है, उस टाइम उसको लगता है अरे क्या ये पागलपने की चीज़ें, ये तो कोई भी बहुत कर लेगा बहुत आसान है, और फिर उसके बाद होता नहीं है। फ्रेंड सॉरी यार मैं खाने की फ़ोटो लेना तो भूल ही गया, वीडियो भी लेना भूल गया, लेकिन क्या करें खाना इतना टेस्टी था, मैं इतना भूखा था कि टाइम ही नहीं मिला। अभी हम निकल रहे हैं सीधा मम्मी और पापा के पास, तो आ गए हम घर पर, मम्मी हैं और पापा ऑलरेडी आ ही चुके हैं, नीतू आती उधर बैठ गई अपना मजे से। बम्मू आपको बताया भाई ने कैसा कितना बड़ा एक्सपीरियंस आज का हमारा वहाँ, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, CM सर ने हमें खुद बुलाया है, उन्होंने बोला कि आप एक बार आओ असम घूमो, असम में इतनी सुंदर सुंदर जगह है जो कि आपके ब्लॉग के थ्रू सब लोगों को देखनी चाहिए, तो मैं प्रॉमिस करके आऊँ कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा, तो मम्मी जल्दी से फ्री हो जाए भाई फिर चलते हैं एक दिन वहाँ, सब लोग चलेंगे ठीक है मम्मू। तो अभी हम मैं लाइव आई थी थोड़ी देर पहले 3 घंटे पहले, तब पाई उधर आई थी मैं 3 घंटे पहले, आप लोग कार में थे उस टाइम नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, तो मैंने एक पिक्चर पोस्ट करी है पाई की जो कि है ये, और आपने इसमें इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करे हैं, तो अभी मैं कॉमेंट्स रीड करूंगी जिनका सबसे अच्छा कॉमेंट होगा। बहुत ही डायनामिक लीडर है, और खाते रहो राइस लाइन बेटा, उन्होंने जो जैसे VIP कल्चर होता है ना वो खत्म कर दिया। अच्छा है ना, अगर उनकी गाड़ियाँ उनका काफिला निकलता है, कोई रूट नहीं लगाया जाता है, लोगों को परेशान नहीं किया जाता, वो तो अपने आप में बहुत डायनामिक आदमी है और बहुत डेवलपमेंट के लिए। मैंने भी उनकी वाली वीडियो देखी थी जिसमें वो वहाँ पर डांट रहे थे किसी को क्योंकि पूरा जाम लगा हुआ था। तो अब हम आपको सुनाते हैं जो आज के बेस्ट कमेंट्स थे, बेस्ट तो वैसे बहुत सारे थे लेकिन ये कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो बिल्कुल एकदम दिल छू गए।
मंजू जी ने लिखा है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम असम एंड आई एम बिग फैन, थैंक यू सर फॉर दिस. खुशी चौहान ने लिखा है, पाई यू आर रियल सुपर स्टार. पाई आप क्या बोलोगे? थैंक यू. इसलिए आप लोग तरक्की कर रहे हो, जय हो. आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक यू ऑल. वाओ, पवन जी ने बोला है. अगर हम लोग हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए. अच्छा, कुछ एक कमेंट्स मैं ही पढ़ के सुनाता हूँ. सबसे पहला लिखा है राजन वर्मा जी ने, ग्रेट वर्क एंड थैंक यू, आई एम बिग फैन फ्रॉम असम, थैंक यू सो मच राजन जी. और संधू जी ने लिखा है, ग्रेट वर्क सर पाई एंड लखनीत ब्रो, थैंक्स ऑल रावत फैमिली नीतू दी एज वेल, थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारे हो आप सब. तो हमारे असम से जो बहुत सारे लखनीत फैमिली के मेंबर हैं, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं. आप सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू. और आप सब ने इतना प्यार दिया और इतना प्यार बना के रखते हो, तो यार हमारी तरफ से जो फ़र्ज़ बनता है वो हम लोग कर रहे हैं. बाकी इसी तरह वीडियो को यार बहुत प्यार देना. मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ. टेक केयर, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ. बाय बाय. तो फ्रेंड्स, ये हमने अपना एक ग्रुप बनाया है फेसबुक पर, इसका नाम है लखनीत फैमिली. यहाँ पर हमारे जितने भी बहुत ज़्यादा क्लोज मेंबर्स हैं ना, आप सब में से, उन सबको हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ताकि हम लोग वन ऑन वन डिस्कशन कर पाएँ, आपस में बातें कर पाएँ. तो आप लोग इसमें रिक्वेस्ट भेज सकते हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सिर्फ उन्हीं की कर रहा हूँ जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो रेगुलर कमेंट करते हैं हमारे ब्लॉग्स पर.